पर पता नहीं चला था, मुझे ऐसे लगा कि बाहर पटाखे बज रहे हैं। तो सर्वेंट ने बताया अभी जी सब खत्म हो गया। मैंने कहा क्यों क्या हो गया? बोले गोलियां चल रही है नीचे, क्योंकि मेरा सपोर्ट कोई नहीं कर रहा अभी ना। मुझे राजनीति पहले करनी थी ना राजनीति अब करनी है। मैं उस आदमी के साथ दिल से जुड़ी हुई थी और जो खुशियां थी अब हमारी वो अब रही नहीं। माँ बाप भी नहीं है, कोई नहीं है मेरा उनके सिवा। लेकिन 2 महीने पहले इन्होंने बोल दिया था, पुलिस वाले अगर उस टाइम सुन लेते ना तो इनके साथ कुछ नहीं होता। इनकी मौत पे सरासर राजनीति हो रही है, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए न्याय बस। गोगामेड़ी के निवास पर हम पहुंचे हुए हैं और यहां पर उनकी पत्नी है, मीडिया से मुखातिब हो रही है। ये वो घर है जहां पर ये पूरा वाकया हुआ था और जो परिवार के जो लोग हैं यहाँ पर, उनमें उनकी जो सपना सोनी है, जो उनकी तीसरी पत्नी यहाँ पर बताई जा रही, वो यहाँ पर है हमारे साथ में है जी। ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है आप उसकी गवाह रही हैं, आप वहाँ पर मौके पर मौजूद थी जब पूरा घटनाक्रम हुआ। हालांकि हम समझ सकते हैं आपका दर्द, बार बार उसको दोहराना, लेकिन फिर भी जो तमाम जो व्यूअर हैं वो समझेंगे कि आपने किस रूप में वहाँ पर पूरा घटनाक्रम देखा। जी जैसे कि आपको पता ही है कि 3 अपराधी आए थे, उन्होंने कैसे धुआंधार गोलियां चलाई थी, यहाँ क्या हुआ था, मौत का तांडव हुआ था, सब आपको पता ही है। जो भी होना था उस दिन हो गया सर। बस इतना ही है कि मैंने कोशिश की थी एक कि क्या पता वो सही हो जाए। उनको लेके गए थे हम मेट्रो मास हॉस्पिटल, गाड़ी में लेके गए थे हमारी, फिर वहाँ जाके उनको ऐसे बताया कि ऑन द स्पॉट ही। ये जो पूरी घटनाक्रम हुआ इसके बाद में कई लोग आप समझ सकते हैं इतना दर्द है, लेकिन ये आपको कब पता लगा इसकी जानकारी, क्या ऊपर ही आप थे और इसकी जानकारी कैसे लगी? जी मुझे ऊपर पता नहीं चला था, मुझे ऐसे लगा कि बाहर पटाखे बज रहे हैं। कभी गोलियों की आवाज़ आपने भी नहीं सुनी होगी, किसी ने भी नहीं सुनी होगी, क्योंकि अपने तो आम इंसान है, अपना कोई काम ही नहीं है गोलियों का। लेकिन मुझे ऐसे लगा जब मैं सीढ़ी में आ रही थी तो सर्वेंट ने बताया भाभी जी सब खत्म हो गया। मैंने कहा क्यों क्या हो गया? बोले गोलियाँ चल रही है नीचे। तो फिर मैंने जैसे गेट खोला तो वो अपराधी जो थे वो तो ऐसे इधर भाग रहे थे। मैंने उनको चेक किया तो कुछ नहीं था, फिर लेके गए थे हॉस्पिटल। इतना ही है, अब जो होना था सर हो गया। लेकिन मैं तो आपके मीडिया के माध्यम से ही बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा सपोर्ट कोई नहीं कर रहा अभी, क्योंकि हमेशा वो मुझे अपने घर में अंदर ही रखते थे। ना मैं राजनीति में आई थी कभी, ना मुझे राजनीति पहले करनी थी, ना राजनीति अब करनी है, क्योंकि मैं राजनीति में उनके साथ नहीं थी। मैं उस आदमी के साथ दिल से जुड़ी हुई थी, मुझे कोई मतलब नहीं था राजनीति में क्या हो रहा है, कौन मुझे उनकी वाइफ मानता है, या मुझे कुछ नहीं चाहिए था। हम दोनों साथ रहते थे, खुश रहते थे, बस इतना ही बात इतनी सही है। और जो खुशियाँ थी अब हमारी वो अब रही नहीं, आपको पता ही है, क्योंकि मेरा सब कुछ वही थे। मेरे माँ बाप भी नहीं है, कोई नहीं है मेरा उनके सिवा, बस वही थे एक जो भी थे मेरे। लेकिन 2 महीने पहले इन्होंने बोल दिया था, वो प्रशासन से भी उन्होंने गुहार लगाई थी कि मुझे सुरक्षा चाहिए, लेकिन पुलिस वाले अगर उस टाइम सुन लेते ना तो इनके साथ कुछ नहीं होता। अब चाहे आप कुछ भी लगाओ, पुलिस लगाओ, चाहे कुछ भी लगाओ, जो बंदा चला गया देखो वो तो आएगा नहीं। अब सुरक्षा हमें मुझे भी मिली हुई है, लेकिन वो सुरक्षा मेरी सुरक्षा किस काम की आई? सुरक्षा उनकी करते, क्योंकि वो एक ऐसा आदमी था जो पूरे समाज को चलाता था, पूरे देश को चलाता था, समाज ही नहीं वो सर्व समाज को चलाता था। उसने हर गरीब की मदद की है, चाहे पैसों से हो, जहाँ भी उस किसी भी समाज ने बोला कि भाई साहब, या किसी भी लेडीज ने बोला भाई साहब आज हमें आपकी ज़रूरत है, उस बंदे ने हमेशा सबसे यही कहा था कि हाँ जब तक सुखदेव सिंह होगा मीडिया आपके साथ खड़ा है ना, आप लोगों को कुछ नहीं होगा। 2 दिन पहले भी एक लेडीज़ का मेरे सामने कॉल आया था, उसने भी अपना कुछ बताया था, घर का मैटर था, उनको भी ऐसे, जबकि वो जाट समाज से थी वो लेडीज, इसने कॉल किया कि भाई साहब हमें आपकी मदद चाहिए। तो इन्होंने यही बोला था कि मैं 2 दिन बाद आ रहा हूँ, अभी मैं गाँव से आया ही हूँ अभी जस्टी, और 2 दिन बाद फिर आऊँगा गाँव से, तो मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। उन वो सबके सबका सपोर्ट करते, लेकिन 2 महीने पहले पता नहीं उनके क्या हुआ था, थोड़ा उनका मन ऐसे दुखी रहने लग गया था, शांत हो गए थे बिल्कुल, ऐसे इतना बोलते चालते नहीं थे किसी से। और करनी सेना भी 10 दिन पहले ही भंग की थी उन्होंने लाइव आके खुद ने, ऐसा क्या था मुझे नहीं पता कि उन्होंने ऐसा किया, लेकिन ऐसे ही बोलते थे कि मेरे मरने पर भी राजनीति होगी, क्या पता मेरे घर वाले भी राजनीति करें, और वो लोग कर भी रहे हैं राजनीति, मुझे उनसे कोई डर नहीं है। कौन लोग राजनीति कर रहे हैं? सभी कर रहे हैं, किसी को करनी सेना का पद चाहिए, किसी को करनी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है, तो उन्होंने एक पार्टी भी बनाई थी अभी राजपूत नाम, मतलब कि जैसे पता नहीं किस नाम से, लोक मत पता नहीं, लोक सभा पता नहीं कैसे करके उन्होंने एक पार्टी भी बनाई अपनी। उस पार्टी का भी अभी पता नहीं है कुछ क्या चल रहा है क्या नहीं, समझ में नहीं आ रहा। लेकिन इनकी मौत पे सरासर राजनीति हो रही है, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए न्याय बस। जितनी भी मांगे हैं ना, मैं कोई भी मांग नहीं रखती। वहाँ जो उग्र आंदोलन हुआ था, उस उग्र आंदोलन में मैंने सुना है कि 18 पता नहीं कितनी मांगे रखी गई थी, लेकिन मैं आज मैं भी उनकी वाइफ हूँ, क्योंकि देखो घर वाले उनके माने, कौन ना माने,
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरी दुनिया मानेगी। क्यों? क्योंकि जिस बंदे ने मुझे अपनी वाइफ समझा था तो दुनिया समझेगी। और मैं 11 साल से उनके साथ थी। मैं बस प्रशासन से, पूरी जनता से, 36 कौम से, सर्व समाज से एक ही मांग है मेरी कि सुखदेव सिंह ओगामेडी को अगर न्याय मिलेगा तो जब भी न्याय मिलेगा, जिन लोगों ने उनकी हत्या की है और या फिर जिन लोगों ने करवाई है, उन लोगों का एनकाउंटर होना चाहिए। जिम्मेदारी है वो तो जिन लोगों ने ली है वो सामने, आपको लगता है इसके अलावा भी कोई लोग हो सकते हैं? जी बिल्कुल, जो आए थे मारने के लिए उनकी उनसे कोई दुश्मनी नहीं थी, उनको तो भेजा गया है ना मारने के लिए। अगर उनका अपने एनकाउंटर कर दें या उनको सजा दें, उनको सजा देने से क्या होगा? जो पीछे है उनको सजा होनी चाहिए ना, क्योंकि काम तो उनके थे ना, करवाए गए हैं, जो किए हैं और करवाए हैं उन दोनों को सजा मिलनी चाहिए ना। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए, और आपका जो दुख है वो समझ में आता है। यहाँ पर सुखदेव सिंह गोगड़ावगई की जो पत्नी है वो हमसे मुखातिब थी, पंजाब केसरी पर एक्सक्लूसिव जानकारी, जिस रूप में पूरी घटना को बता रहे हैं। उनका जो पुलिस का पूरा जो घर है, मैं कैमरा पर्सन को कहूँगा कि वो दिखाए एक बार, कैमरा पर्सन हमारा बताए कि किस रूप में उनका जो पूरा जो घर है वो यहाँ पर पुलिस प्रोटेक्शन में है। तमाम जो लोग हैं वो पुलिस प्रोटेक्शन में हैं, और ये एक तरह से महत्वपूर्ण जो जो जांच की प्रक्रिया है वो चल रही है। और इस बीच तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर इस पूरी कॉलोनी के अंदर हम देख पा रहे हैं, कॉलोनी का जो पूरा हालात है वो देख पा रहे हैं किस रूप में सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि गोलीकांड की घटना बड़ी यहाँ पर हुई है। और उस गोलीकांड के अंदर जिस रूप में पूरी जो तस्वीरें सामने आई हैं वो सब ने देखी है। बहरहाल सुखदेव सिंह गोगामेडी का जो परिवार है वो स्ट्रगल कर रहा है, जांच एक तरफ चल रही है, दूसरी तरफ है वो अंतर्द्वंद है वो भी साफ तौर पर नज़र आ रहा है। सहयोगी कैमरा पर्सन कृष्ण कुमार के साथ विशाल सूर्यकांत, पंजाब केसरी, जयपुर। क्या बोल सकती हूँ, मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया, जो था मेरा सब कुछ वो तो चला गया। नहीं रोते तो लोग बोलते हैं कि ये रोते नहीं है, हम रोते हैं तो बोलते नाटक करते हैं, पर अगर उनको सुरक्षा मिल जाती तो मैम आज जो हुआ है ना फोन ही होता, कुछ नहीं चाहिए। बस मैं उस आदमी के साथ जुड़ी हुई थी, वो मेरे पति थे, मुझे बस इंसाफ चाहिए, चाहे मुझे मरना भी पड़ा ना तो इंसाफ तो जरूर होगा। हमारी बॉडी लैंग्वेज अभी क्या है, अभी ये देखो हमारी स्थिति क्या है, अभी हमारे ये दिन नहीं है मैम। लाखों करोड़ों आदमियों के लिए सुखदेव सिंह अकेला लड़ा है, लोगों के बोलने से मैं टूटने वाली नहीं हूँ। नमस्कार, पंजाब केसरी राजस्थान आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। राजस्थान में 3 दिन पहले हुए सुखदेव सिंह गोगामेडी के हत्याकांड ने पूरे प्रदेश को, पूरे देश को दहला दिया है। इस घटना को लेकर प्रदेश भर में बवाल भी मचा हुआ है, आक्रोशित लोग लगातार विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर जो आरोपी है उनकी जांच पड़ताल उन्हें लगातार पुलिस की ओर से ढूंढा जा रहा है। फिलहाल हमारे साथ गोगामेडी जी की तीसरी पत्नी जिनका नाम है सपना सोनी जी। सपना जी, सबसे पहले पंजाब केसरी पर आपका स्वागत करना चाहूंगी। जी मैम। जी सपना जी, आपने बताया कि जिस वक्त ये पूरी वारदात हुई, पूरा घटनाक्रम हुआ, आप मौके पर ही मौजूद थी, क्या कुछ वो पूरा घटनाक्रम था एक बार थोड़ा विस्तार में बताएं। मैम उस दिन मतलब कि कुछ देर पहले वो खाना खा के मेरे यहाँ से हम लोग सीढ़ी से दोनों जा रहे थे, इतने में गनमैन आए और ऐसे बोले कि तीन साहब आपसे कोई आदमी आए हैं, जो तीन मिलने वाले आए हैं, तो ये बोले तू ऊपर जा, मैं उन आदमियों से मिलके आता हूँ, फिर बैठ के चाय पियेंगे। मैंने कहा ठीक है। मैं ऊपर आ गई थी, मैं कैमरे वाले रूम में गई, मेरी आदत थी कि जब भी इनके पास कोई आता था तो कैमरे में ही चेक करती थी। पहले वो रूम मेरे कैमरे में लगे हुए थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने बताया कि आप इस रूम में नहीं रह के आप दूसरे रूम में शिफ्ट हो जाओ क्योंकि आपको खतरा है। पुलिस प्रशासन ने खुद ने भी बताया था पहले कि आपको खतरा है इस चीज का। तो जिस रूम में कैमरे लगे हुए थे मैंने चेक करके आई, तो जो उनमें से जिसकी एक की डेथ हो गई थी ऑन द स्पॉट, नवीन कोई नवीन शेखावत भी था उसमें शायद, तो वो बंदा फोन पे बात करवा रहा था उनसे, किससे करवा रहा था वो तो मुझे पता नहीं। फिर मैं मेरे रूम में आके सो गई थी, लेट गई थी, उन्होंने बात की है फोन पे, थोड़ी देर बाद ही 1-2 मिनट बाद ही पटाखे जैसी आवाजें आती है। मैं जैसे सीढ़ी की तरफ भागी, सर्वेंट भाग के आया, भाभी जी सब खत्म हो गया। मैंने कहा क्या हो गया, बोले कि गोलियां चल रही है नीचे। फिर मैंने उसको तो उधर किया क्योंकि वो डर गया था, और मैं जैसे ही भागी तो अपराधी तो उधर गेट से निकल गए थे, मैंने ये गेट खोला और उनके पास गई थी, फिर उनको चेक किया मैंने। जी जी, तो सपना जी उसके बाद आपने बताया कि जब गोगामेडी जी को गोलियां लगी आप उनके पास गई,
हॉस्पिटल उन्हें फिर कौन लेकर गया, क्योंकि मेट्रोमास हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट करवाया गया। जी मैम, उस टाइम मतलब कि अंदर जो जहाँ मतलब कि हत्या हुई थी ना, जहाँ गोलियां चली थी, वहां दो आदमियों को गोलियां लगी थी अंदर। उसमें से एक जो है वो अजीत बन्ना थे, इनके भाई की तरह रहते थे, इनका काम में सहयोग करते थे, साथ में रहते थे, उनको भी गोली लगी हुई थी। वो पानी मांग रहे थे, पानी दे दो पानी दे दो, मैंने पानी नहीं दिया क्योंकि इनका बोला हुआ था ऐसा, कभी भी कुछ होता है तो उसको पानी नहीं देना चाहिए। मैंने पानी दिया नहीं, उनको देखा तो वो तो ऑन द स्पॉट यही खत्म हो गए थे मैम। तो फिर क्या, गोगा मेडी जी को अस्पताल आप लेकर गई थी सपना जी? जी मैम, हॉस्पिटल, फिर उनको स्कॉर्पियो में मतलब कि उनको देखा, फिर मैंने सबसे मतलब कि बाहर पड़ोस में भागी, तो सामने काम चल रहा था तो लेबर आए, जी लेबरों को मैंने हाथ जोड़ के बोला, मैंने कहा आप है ना इनको है ना सबको स्कॉर्पियो में डलवा दो, हॉस्पिटल लेके जाना है। बोले मैम हम नहीं डाल सकते क्योंकि ये पुलिस केस है। मैंने कहा कुछ भी होगा वो मेरे ऊपर हो जाएगा, आप इनको जल्दी से जल्दी डालो, इनका इलाज करवाना जरूरी है। फिर स्कॉर्पियो में जी पीछे तो उनको डाला और बीच में उन बंदा को रख के हम लोग मेट्रो मास हॉस्पिटल गए थे मैम। जी बिल्कुल सपना जी, आपकी हिम्मत की दाद देना चाहूंगी कि आपने पूरा जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद आप उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर गई। सपना जी, अब आप क्योंकि गोगा मेडी जी अब हमारे बीच नहीं रहे, ऐसे में आप अकेले पड़ गए हैं, परिवार को लेकर आपकी क्या कुछ राय है? मैं क्या बोल सकती हूँ, मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया, मैं क्या बोलूँ, मेरे तरफ कोई बोलने वाला भी नहीं है क्योंकि सिर्फ वो ही थे मेरे, ना मेरे माँ है ना बाप है, मेरा पियर पक्ष तो जैसे खत्म ही है, कोई कुछ भी नहीं है वहाँ। मम्मी पापा की भी डेथ हो गई, कोई नहीं है मैम, मेरा जो कुछ भी था बस वही थे। अब जिसका कोई हो ही नहीं, कुछ है ही नहीं, वो क्या बोलेगा, मेरे पास कुछ है ही नहीं बोलने के लिए, पता ही नहीं ना कोई इंसान है ना कुछ और है, कुछ भी नहीं है। मेरा घर परिवार सिर्फ यही था और अभी यही है, बस घर परिवार बच्चा का है मैम, सिर्फ ये घर है और मैं हूँ, जो था मेरा सब कुछ वो तो चला गया। जी तो लोगों जी को मैम फिर भी लेकिन बातें आ रही है कि ये तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि उसके तीन पत्नियां थी, उसने फेरे क्यों नहीं लिए। भाई तुम लोगों का भी किसी न किसी की पर्सनल लाइफ होती है मैम, हर व्यक्ति की होती है पर्सनल लाइफ, किसी के साथ ये तो इतना बड़ा कांड हुआ है, हमारा तो सामने आ गया। अगर कई ऐसे लोग हैं जिनका सामने नहीं आया, जो हमसे सवाल कर रहे हैं, वो खुद क्या है पहले ये सोचो कि आप लोग खुद क्या हो, पहले ये सोचो कि आज हमारी क्या स्थिति है, हमारी क्या सिचुएशन है। लोग तरह तरह की बात कर रहे हैं, हम इंटरव्यू भी देते तो भी हमारी लोग बातें बनाते हैं, हम नहीं रोते तो लोग बोलते हैं कि ये रोते नहीं है, हम रोते हैं तो बोलते नाटक करते हैं। आप लोग हमारी जगह आके देखो, जहां धड़ाधड़ गोलियां चली थी ना मैम, आज अकेली औरत मैं यहाँ इस मकान में बैठी हूँ, खून पे बैठ के देखो कोई, और जान जिन जिन आदमियों को 17-17 गोलियां लगी थी उनको डाल के अपने हाथों से लेके जाना उनका, कम से कम मैं मुझे 10 मिनट तो लगे थे हॉस्पिटल पहुंचते टाइम। सोचो मैं उस गाड़ी में बैठी थी जहां मेरे साथ एक बंदा जो था ही नहीं उस टाइम, जो मेरे पति थे आपको पता है सुखदेव जी, वो तो ऑन द स्पॉट ही खत्म हो गए थे आपको पता है। लेके जाना मैम ऐसा काम करना आसान नहीं है, बोलना आसान है, आज अगर किसी और के भी होता ना तो मैं भी ऐसे ही बोलती जैसे लोग मुझे बोल रहे हैं, लेकिन आज मेरे साथ क्या हो रहा है ना वो मुझे ही पता है, लोगों को नहीं पता मैम, और मुझे से लोगों से सहानुभूति चाहिए भी नहीं, कोई सहानुभूति नहीं चाहिए मुझे, चाहिए तो सिर्फ न्याय चाहिए। दिला सकते हो क्या, हम कितनी बीवी है, हमारे घर में क्या है वो मैटर छोड़ो, एक आदमी के साथ इतना गलत हुआ है यहाँ, वो बस न्याय मिलना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि जो अपराधी है उनको भी सजा मिले, और उन अपराधियों के पीछे कौन सी गैंग है, कौन से कौन लोग हैं जिन्होंने ऐसा कुछ करवाया, तो मैं ये चाहती हूँ उन सबका एनकाउंटर होना चाहिए। जी, तो सपना जी आपको क्या लगता है कि गोगा मेडी जी की हत्या की ये जो वारदात हुई उसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? क्या किसी के साथ उनकी कोई बहुत ज्यादा ऐसे दुश्मनी चल रही थी, या क्या आपको क्या लगता है? मुझे तो ये लग रहा है कि उनको देखो धमकियां तो काफी टाइम से मिल रही थी, 6 महीने पहले एसओजी की पूरी टीम आई थी, पता नहीं एसओजी की आई थी कौन सी टीम आई थी पुलिस प्रशासन की तरफ से, आके वो घर पे पूरा घर चेक करके गए थे यहाँ, और बोले कि आपको खतरा है सुखदेव जी, जब उनको पता था इनको खतरा है तो इनको सुरक्षा क्यों नहीं दी गई, बस वो तो इतना ही बता के गए थे आप रूम चेंज कर लो, आप गेट लगवा लो, ऐसे कर लो, ये कर लो, वो कर लो, बस राय दे के गए थे और कुछ भी नहीं मैम। सबको पता था, इनको खुद को भी पता था, हमें भी घर में पता था कि इनको खतरा है, पुलिस प्रशासन को भी पता था, सब पता था, पर अगर उनको सुरक्षा मिल जाती तो मैम आज जो हुआ है ना फोन नहीं होता, बिल्कुल सपना जी, आपकी परिस्थिति समझ सकती हूँ। सपना जी और जो इसमें लोग कहीं हमें ना आज इतनी कहीं बातें सुना रहे हैं वो हमें नहीं सुननी पड़ती मैम, हम कोई नहीं सुनता, आज अगर मैं किसी को सुनाऊंगी तो कोई सुनेगा नहीं सुनेगा, लेकिन हमारी स्थिति जी ऐसी हो गई कि हम सुन रहे हैं। जी सपना जी, इस पूरी वारदात में रोहित गोदारा और लॉरेंस बिश्नोई जैसे लोगों का भी नाम आ रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? जी मैम, वो
मतलब नाम आ रहा है वो हो भी सकता है कि सही भी हो सकता है, क्योंकि इनकी जो मतलब कि इनको मारने की साजिश जो चल रही थी ना मैम, वो सिर्फ और सिर्फ जेल से चल रही थी, क्योंकि पुलिस प्रशासन ने खुद ने बताया था कि मतलब कि जेल से ये सब हो सकती है प्लानिंग, और जेल से ही चल रहा था मैम ये सब। तो आपने कहा कि उन्हें लगातार लंबे समय से धमकियां मिल रही थी, क्या इसका कुछ एविडेंस या प्रूफ आपके पास है? जी मैम बिल्कुल, उनके फोन में मिल सकता है, जो जो धमकियां मिली थी ना उसके प्रूफ उस फोन में तो है ही, क्योंकि जो मतलब कि जो लोग धमकियां देते थे, रिकॉर्डिंग भेजते थे इनको, जो भी था फोन में, अभी फोन फिलहाल पुलिस वालों के पास ही है मैम। जी सपना जी, दूसरा, आप अभी जहां गोगामेडी जी के घर पर हैं वहां पर सिक्योरिटी काफी टाइट कर दी है, आपको लोगों से मिलने नहीं दिया जा रहा, मीडिया के लोगों से बात नहीं करने दी जा रही, क्या कहेंगे उस पर? मैम उसमें मेरे ये समझ में नहीं आ रहा, मुझे जितना जहां तक है मुझे इतना पता चला है कि जो ये शीला जी है वो करवा रही है ये सब, कि उसका जी इंटरव्यू नहीं होना चाहिए। अरे भाई अब क्या बच गया, अब बच क्या गया, तुम ये तो चाहती थी कि मैं किसी के सामने नहीं आऊं, मेरा पता नहीं चले, कल को कुछ हो तो बस मैं ही रहूं दुनिया के सामने, तो तुम रहो, राजनीति करो, कुछ भी करो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं उस आदमी के साथ जुड़ी हुई थी, वो मेरे पति थे, मुझे बस इंसाफ चाहिए, मुझे शीला की या किसी भी परिवार के आदमी की कोई जरूरत भी नहीं है इंसाफ में, अगर मुझे सरकार इंसाफ देगी, पुलिस प्रशासन दिलाएगा तो ठीक है, नहीं तो मुझे पता है इंसाफ कैसे मिलेगा, मैं भी अपराध की जगत में ना चली जाऊंगी, क्योंकि अभी मेरा माइंड खुद का ही सेट नहीं है, अगर इंसाफ नहीं मिला, इंसाफ फिर उनको दुनिया दिलाएगी, सरकार दिलाएगी, समाज दिलाएगा, तो बहुत अच्छी बात है, ज्यादा तो मैं नहीं बोल सकती, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन चाहे मुझे मरना भी पड़ा ना तो इंसाफ तो जरूर होगा, उनकी आत्मा जी को बिल्कुल शांति जब सपना मिलेगी जी, तब इंसाफ होगा। बिल्कुल सपना जी, सरकार पर और प्रशासन पर विश्वास रखिए, इंसाफ जरूर मिलेगा, उसके लिए आपको अपराधियों जैसा बनने की कोई जरूरत नहीं है। शीला नाम का आपने जिक्र किया, ये कौन है, इनकी कुछ पहचान बता सकते हैं आप? हाँ जी मैम, शीला जी मतलब उनकी सेकंड वाइफ है, पूछने जा रहे हैं, उनसे मिलने दिया जा रहा ना ही, कोई इंटरव्यू देने दिया जा रहा, अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये सब हो क्यों रहा है, किस लिए हो रहा है। जी, तो अभी फिलहाल पुलिस प्रशासन का क्या रुख है आपकी तरफ? मैम पुलिस प्रशासन ने मतलब सुरक्षा मुझे दे रखी है, क्योंकि उस टाइम मैं आपको पता ही है कि उस टाइम मैं यहाँ थी, मौके वारदात पे मैं थी यहाँ, उनको लेके एक पति अपनी पत्नी को जी सारी बात बताता है, आपको पता है कहीं ना बिल्कुल। कहीं उनके मुंह से कुछ ना कुछ उन्होंने मुझे बताया तो होगा ना, मुझे पता ही है कहीं ना कहीं, तो पुलिस प्रशासन से मतलब जितनी मेरे से मदद होगी ना पुलिस प्रशासन की मैं भी करूंगी, पुलिस प्रशासन भी मेरी मदद कर रहा है, मैं खुद चाहती हूँ कि जितनी जल्दी हो गिरफ्तार हो जाए, जो भी हो फैसला हो जाए, मैं चाहती हूँ उनका एनकाउंटर हो, लेकिन सिर्फ उनका एनकाउंटर नहीं होना चाहिए, मतलब कि उनको भेजा किसने था, उनकी क्या दुश्मनी थी इनसे, वो जानना चाहती हूँ बस मैं, जी मेरे दिमाग में एक ही चीज है कि हंसता खेलता परिवार किसी ने क्यों बर्बाद किया, क्या मिला किसी को बिल्कुल ऐसा करने से। बिल्कुल सपना जी, पूरे मामले की तह तक पुलिस प्रशासन जरूर जाएगी। सपना जी, आपने जिक्र किया कि गोगामेडी जी की तीन पत्नियां हैं, आप तीनों को लेकर भी सोशल मीडिया पर या मीडिया में कई तरह की खबरें हैं, आपसे जानना चाहूंगी कि आप तीनों के बीच में किस तरह के संबंध और पारिवारिक माहौल कैसा है? मैम पारिवारिक माहौल जो है अभी वो सही नहीं है हमारे घर का, क्योंकि हम जी तीन हैं और तीनों अलग अलग बैठे हैं, जो उनके साथ एक पत्नी और है बड़ी, उनका नाम है शकुंतला चौधरी, वो अलग बैठे जी हैं, वो अलग है, और मैं यहाँ अपने खुद मकान में बैठी हूँ, श्याम नगर 121 में, जहाँ हमारा राष्ट्रीय कार्यालय, मैं राष्ट्रीय कार्यालय से बात कर रही हूँ, जी जहाँ जिस दिन जी तो अगर आप तीनों के बीच में संबंधों की बात की जाए, क्या तो क्या आप तीनों की एक दूसरे से बात होती है, आप तीनों का संबंध कैसा है? मैम हमारा कोई संबंध नहीं है, जी साल में जो भी सरकारें, जो भी जिम्मेवार लोग हैं, उनसे क्या कुछ मांग करती हैं, क्या कुछ चाहती हैं आप? मैं मेरे पुलिस प्रशासन से बस एक ही मांग है कि उनको न्याय मिलना चाहिए, जो भी मतलब कि मैंने सुना है कि जिस दिन उग्र आंदोलन हुआ था उस दिन मांगे रखी गई थी, शायद पता नहीं 15 मांगे थी, 18 मांगे थी, कितनी मांगे थी मुझे पता नहीं है, अभी तक मैंने कुछ मैं कह नहीं सकती इस बारे में, लेकिन मांग हमारी जी इतनी लंबी चौड़ी मांग नहीं है, प्रशासन से पूरे समाज से सर्व समाज से 36 कौम से हमारी इतनी कोई लंबी चौड़ी मांग नहीं है, हमारी मांग सिर्फ एक ही है, उनका मैं नहीं बोल सकती, शीला जी का या किसी और का मैं नहीं बोल सकती, सिर्फ मैं मेरा ही बोल सकती हूँ, मेरी सिर्फ एक मांग है, जी जो हत्यारे हैं उनको फांसी की सजा होनी चाहिए या फिर उनका एनकाउंटर होना चाहिए, लेकिन सिर्फ मैम उन दो का नहीं, जो पीछे उनके कौन पीछे लगे हुए थे, और मतलब इनसे क्या दुश्मनी थी उनकी, मैं कभी सुनती थी इनके कॉल आते थे, लोग इनसे मदद मांगते थे, इन्होंने सिर्फ इतनी की है लोगों की, मतलब जहाँ पैसा चाहिए था वहां पैसा खर्च
करते थे, बहन बेटियों की शादियां करवाई। जी सपना जी आप सही कह रही हैं, लेकिन सपना जी किसी के भी आने पर पाबंदी थी, उस दिन ऐसा क्या हुआ कि उन शूटर्स को उस कमरे में बुलाया गया? मैम कमरे में नहीं मिलाया, बुलाया गया था, जहाँ वो मिलते थे उस कमरे में वो मिले ही नहीं थे, वो तो जहाँ वेटिंग हॉल था ना वहां मिले थे वो, उनको कहीं बाहर जाना था उस, तो उन्होंने सोचा कि मैं 2 मिनट इनसे मिल लेता हूँ फिर चाय पी के फिर चला जाऊंगा, तो वेटिंग हॉल में गए थे, जहाँ मिलते थे ना पर्सनल उनका बैठने का वहां नहीं मिले मैम, वो वेटिंग हॉल में मिले थे। जी सपना जी राजनीति को लेकर आप अभी जिक्र कर रही थी कि मुझे राजनीति में नहीं जाना है, गोगा मेडी जी भी बड़े राजनेता रहे हैं, अब राजनीति को लेकर आपका क्या कुछ रुख है? मैम उन्होंने मुझे 2 महीने पहले एक बात बोली थी कि जो भी है सब कुछ तू मेरा ही है, हम दोनों ऐसे मतलब छोटी नॉर्मल बातें हो जाती है ना कि किसी भी काम को लेके मेरा ये काम कर दे, मैं बोलती मैं नहीं करूंगी, तो फिर ऐसे बोलते थे तू तो मेरी है सब कुछ, जो भी है तू ही है मेरा और मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, मैं बोलती थी मैं क्यों, 2 पत्नियां और भी है तुम्हारे मैं क्यों, बोले है तो मैं 11 साल से तेरे साथ ही रह रहा हूँ, जो भी करेगी तू ही मेरा करेगी, मैंने कहा जो भी क्या करूंगी, बोले अगर मैं मर भी गया ना तो लोग मेरे ऊपर राजनीति करेंगे, मेरी मौत पे भी राजनीति करेंगे, और वो बात मैम सही निकली, वो सच निकली, क्योंकि जब से मैं कल से इंटरव्यू दे रही हूँ उनके घर वाले एक इंटरव्यू दे रहे हैं कि हम करनी सेना चलाएंगे, हम ये चलाएंगे, उनकी जो उर्वशी है दूसरी वाइफ की जो बेटी है ऐसे ही बोल रही है कि करनी सेना मैं और मेरी मम्मा चलाएंगे, तो उनकी बात सच निकल गई, मैं तो इतना ही बोलती हूँ, क्योंकि कोई देखने नहीं आया था उन्होंने मुझे क्या बोला था, वो तो देखने नहीं आए लोग, लेकिन आज वो तो दिख रही होगी आप लोगों को कि अभी 12 दिन भी नहीं हुए हैं उनको, लेकिन उन्होंने ये बोल दिया कि अब हम राजनीति करेंगे, हम करने से ना चलाएंगे और हम ही करने से सब कुछ है, तो मैम कहीं ना कहीं उसकी बात सच निकली कि राजनीति हो रही है, उन्होंने ये बोला था मेरा मेरे को इंसाफ तू दिलाएगी, तो मैम इंसाफ दिलाने की बात है तो मैं मुझे कुछ करने नहीं दिया जा रहा, ना तो यहाँ से घर से निकलने दिया जा रहा ना कहीं इंटरव्यू दिया जा रहा, पर मैं आपके जरिए सिर्फ आपके जरिए मैंने इतने इंटरव्यू दिए हैं उसमें मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं आज आपको बोल रही हूँ आपके इस इंटरव्यू के माध्यम से, मैं 36 कौम से सर्व कौम से सब पूरी दुनिया से मैं ये बोलना चाहती हूँ कि सुखदेव जी को न्याय दिलाओ, आप जो हत्यारे हैं ना उनको फांसी दिलाओ या फिर उनका एनकाउंटर कराओ, जो उनके पीछे है उनका भी एनकाउंटर होना चाहिए, हर व्यक्ति का कॉल आता था, हर लेडी का कॉल आता था भाई साहब आप हमारी मदद करो, उस इंसान ने सबकी मदद की, तो आज एक आदमी ने लाखों आदमियों की मदद की है, तो क्या आप लाखों करोड़ों आदमी मिलके उनको इंसाफ नहीं दिला सकते, आप इतना भी नहीं कर सकते आप लोग, फिर बातें बनाते रहोगे क्या कि उसकी कितनी बीवियां थी कितने क्या किया, मैम हम रोते हैं तो लोग बोलते हैं तुम रोते हो नाटक करते हो, नहीं रोते हैं तो लोग बोलते हैं कि ये तो रो ही नहीं रही, तुम हमारी बॉडी लैंग्वेज देख रहे हो क्या, हमारी बॉडी लैंग्वेज अभी क्या है, अभी ये देखो हमारी स्थिति क्या है, अभी हमारे ये दिन नहीं है मैम, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, आज अकेले उनको इंसाफ नहीं दिला सकती, लाखों करोड़ों आदमियों के लिए सुखदेव सिंह अकेला लड़ा है, लाखों करोड़ों आदमियों को सड़कों पे उतर के लड़ना चाहिए, आज 72 घंटे की मांग थी हमारी कि 72 घंटे में उनको पकड़ के एनकाउंटर कर देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, 72 घंटे हो गए मैम अभी, जस्ट 72 घंटे हुए हैं, हम एक एक मिनट एक एक पल गिन रहे हैं हम। जी सपना जी आप बेफिक्र रहिए, देखिए कानूनी कार्रवाई, भरोसा रखिए पुलिस प्रशासन पर, जो हत्यारे हैं जो शूटर्स हैं जल्द पकड़े जाएंगे। सपना जी आखिरी सवाल, क्या सपना सोनी राजनीति की दुनिया में कदम रखेगी, अब गोगा मेडी जी का जो कुछ भी कार्यभार है वो आप संभालेंगी? इतना जरूर संभालूंगी, जो मुझे बोल के गए वो मैं करके जाऊंगी, उन्होंने बोला था इंसाफ तू दिलाएगी, बस मैं इंसाफ की लड़ाई तक दुनिया के साथ हूँ, बाद में सपना सोनी कुछ भी नहीं है, उनके साथ ही मैं मेरा नाम चला गया, उनके साथ मेरा नाम चला गया, मेरा नाम चलाने वाला वही आदमी था, मुझे कोई नाम नहीं चलाना, दुनिया बोलती है उसको प्रॉपर्टी चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, मेरे पास कुछ भी नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है मेरे पास, और नहीं मुझे मैम प्रॉपर्टी चाहिए, सपना की लड़ाई सिर्फ इतनी तक है, जब उनको जिस दिन सजा मिल जाएगी उस दिन सपना किसी को भी कहीं यहाँ दिखाई नहीं देगी, बस लोगों के बोलने से मैं टूटने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मैंने ना अपने दिल पे पत्थर रख दिया था उसी दिन जिस दिन मैंने उनके इतनी गोलियां लगी हुई दिखी थी, और उस टाइम मैंने देखा था कि अब ये दुनिया में नहीं रहे, उस दिन मैंने पत्थर रख लिया था, जिसको जो बोलना है कि ऐसे बोल रही है ये कहाँ कौन से लेवल से लग रहा है कि ये इसको दर्द नहीं है, मेरे को दर्द है या नहीं मुझे दर्द बताने की जरूरत नहीं है, मैं इंसाफ की लड़ाई में खड़ी हूँ और बस मुझे कुछ नहीं इंसाफ चाहिए। बिल्कुल सपना जी बेफिक्र रहिए, राजस्थान सरकार राजस्थान की पुलिस प्रशासन और आप सभी जानते हैं कि कुछ दिन पहले गोगा मेडी जी के समर्थन में कई लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किए थे, समाज के सामने उनकी दूसरी पत्नी आई थी, उनकी विरासत की भी आप बात कर रही हैं कि लोग आपके लिए कह रहे हैं कि आप प्रॉपर्टी अपना हथियाना चाहती है, उस तरह की बातें, पहली पत्नी दूसरी पत्नी फिर तीसरी पत्नी, विरासत पर और इन चीजों पर क्या कहेंगी?
मैं तो इतना ही कहना चाहूंगी कि बस इंसाफ की बात करूं, इंसाफ से ज्यादा और मैं क्या बात करूं। प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी क्या होता है? प्रॉपर्टी कुछ प्रॉपर्टी नहीं होता, प्रॉपर्टी क्या होती है ये बताओ। सुखदेव जी क्या करते हैं अपने साथ ये बता दीजिए मुझे, कोई भी बंदा एक भी ये बता दीजिए कि सुखदेव जी का खुद का सब कुछ था, वो जब खुद का कुछ नहीं लेके जा सके तो हम क्या है? कुछ नहीं है, कोई जिक्र ही नहीं है। प्रॉपर्टी का तो जिक्र ही बंद कर दो मैम, प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं है अभी, कोई मायने रखता है? इंसाफ इंसाफ चाहिए। मेरे साथ कोई सिंगल बंदा भी नहीं खड़ा, ये मैं खुद बोलती हूँ कि हाँ शीला जी के साथ खड़े होंगे, करनी सेना खड़े हैं और सब खड़े, क्योंकि करनी सेना में वो आई हुई थी, करनी सेना का उसको अध्यक्ष बनाया हुआ। लेकिन बस इंसाफ की लड़ाई सब लड़ रहे हैं, मैं भी इंसाफ की लड़ाई लड़ रही हूँ मैम, और इंसाफ मिलेगा। मुझे भी पुलिस प्रशासन पे भी पूरा भरोसा है कि ऐसा नहीं होगा, पुलिस प्रशासन ने पूरा आश्वासन दिया है और हमें कड़ी सुरक्षा भी दी है। और ऐसे तो है नहीं हर किसी, अब लोग पूछते हैं कि आप उनके पत्नी हो क्या, तो लोगों का दिमाग खराब हो गया क्या? इतना पुलिस प्रशासन ऐसे लगा हुआ है क्या मेरे यहाँ? 15 पुलिस वाले जवान तो ऐसे थोड़ी दिए हैं भाई, हम बैठे हैं यहाँ, हमारे पास मतलब हमारे मतलब पुलिस प्रशासन मैम पूरा सपोर्ट कर रही है, पुलिस प्रशासन की तरफ से तो हमें कोई दिक्कत नहीं है जी। चलिए सपना जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तरह की जानकारियां साझा करने के लिए शुक्रिया, और हम भी आशा करेंगे साथ ही प्रार्थना भी करेंगे कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को जल्दी न्याय मिले। आप जिस इंसाफ की बात कर रही हैं वो जल्दी आपको मिले ताकि आपको भी तसल्ली हो। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की तीसरी पत्नी सपना सोनी ने आपको सुना, जो लगातार रो रो कर चीख चीख कर सिर्फ एक ही मांग कर रही है कि हमें जल्द से जल्द इंसाफ चाहिए, हमें चाहिए कि पुलिस प्रशासन इस मामले में त्वरित कार्रवाई करे और जल्द से जल्द उन शूटर्स को, उन हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया जाए। पुलिस प्रशासन हालांकि अपनी कार्रवाई में जुटी हुई है, मगर जैसा कि सपना सोनी जी ने बताया कि तरह तरह की बातें लगातार उठ रही है, प्रॉपर्टी को लेकर भी कई तरह की बातें उठ रही है। हालांकि उनके ऊपर लगे सभी आरोपों को वो साफ तौर पर खारिज कर रही है। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के मामले में दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त से अभी दूर है। पुलिस हत्याकांड के दोनों आरोपियों की सरगर्मी से तलाश कर रही है, और इसी बीच सोशल मीडिया पर रोहित गोदारा के नाम से एक पोस्ट वायरल हो रही है। इसमें लिखा गया है कि गोगामेड़ी की हत्या करने वाले दोनों आरोपियों का राजस्थान और हरियाणा पुलिस फेक एनकाउंटर करना चाहती है। वहीं इस पोस्ट में पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बेटे को लेकर भी कुछ आपत्तिजनक बातें लिखी हुई है। इस मामले में पुलिस का कहना है कि पोस्ट की जांच की जा रही है, शुरुआती जांच में इस पोस्ट को फर्जी माना जा रहा है। तो वहीं जयपुर के एडिशनल पुलिस कमिश्नर क्राइम कैलाश चंद बिश्नोई ने कहा कि इससे पहले भी एक पोस्ट वायरल हुई थी, उसमें लिखे गए सभी तथ्य झूठे पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस मामला दर्ज कर कार्रवाई करेगी। बता दें कि सोशल मीडिया पर गैंगस्टर रोहित गोदारा के नाम से वायरल हो रही इस पोस्ट में लिखा गया है कि मेरे भाई रोहित राठौड़ और नितिन फौजी ने सुखदेव गोगामेड़ी की हत्या की थी, उनको हरियाणा एसटीएफ ने पकड़ रखा है, अब राजस्थान और हरियाणा पुलिस मिलकर हमारे भाइयों का फेक एनकाउंटर करना चाहती है। इसके साथ इस पोस्ट में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे का भी जिक्र करते हुए आपत्तिजनक बातें लिखी हुई है। वायरल हुई ये पोस्ट पुलिस के संज्ञान में आई है, पुलिस शुरुआती जांच में इस पोस्ट को फर्जी मान रही है। पुलिस का कहना है कि फिलहाल आरोपियों की तलाश लगातार जारी है, ऐसे में पुलिस द्वारा जब तक कोई ऑफिशियल जानकारी ना दी जाए तब तक किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान ना दे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी, राजस्थान। श्री कृष्ण ने कहा था यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनाम् सृजाम्यहम्। ऐसा देखो साथियों,
ये आपका जो जोश है, आपकी जो एकता है, जो आपकी ताकत है, वो ताकत हमेशा हमेशा राष्ट्र के निर्माण में लगेगी और अधर्म को दूर करने में लगेगी, क्योंकि आप धर्म को धारण करने वाले हो, आप धर्म को धर्म की रक्षा करने वाले हो। जैसा भगवान परशुराम जी ने अपने विराट बड़े तपस्या के बाद में भगवान शिव से क्या लिया था, क्या लिया था, क्या लिया था, प्रसाद। वो लिया था किस लिए? धर्म की रक्षा के लिए। धर्म की रक्षा के लिए आप सभी में एकता रहे, आप सभी में हमेशा यही एक ऊर्जा रहे। मैं आपका एक भाई हूं, मुझे आप कभी सर मत बोलना, मुझे कभी अश्विनी जी मत बोलना, मुझे बोलना क्या, मुझे बोलना सिर्फ अश्विनी भाई। अश्विनी वैष्णव जिंदाबाद, 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 अश्विनी वैष्णव जिंदाबाद। भाइयों, अश्विनी भाई बोलना सिर्फ अश्विनी भाई। शायद वो दिन भूल गए 2018 का, जब सरकार फॉर्मेशन, गवर्नमेंट के फॉर्मेशन होने में, सरकार बनने में 16 दिन लगे हैं। अभी हमारे पर्यवेक्षकों की नियुक्ति हो गई, शीघ्र ही विधायक दल की बैठक होगी। अशोक गहलोत जी शायद वो दिन भूल गए 2018 का। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत के साथ 115 सीटें हासिल की है, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 69 सीटें ही मिल पाई। फिलहाल बीजेपी में मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस बरकरार है। ऐसे में रविवार को संभवतः होने वाली भाजपा विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री का चेहरा भी साफ तौर पर सामने आ जाएगा। मगर बीजेपी बगावत की स्थिति में बहुमत रखने की कवायद में जुट गई है। ऐसे में बागी जीते हुए विधायकों से संपर्क साधने की बीजेपी की ओर से तमाम कोशिशें की जा रही है। लिहाजा बीजेपी की ओर से इन बागियों पर निलंबन या फिर निष्कासन की कार्रवाई भी रद्द हो सकती है। ऐसे में विधानसभा चुनाव 2023 में भाजपा से बागी होकर चुनाव जीतने वाले विधायकों को पार्टी ने गले लगाने की पूरी तैयारी कर ली है। अभी तक पार्टी ने बागी विधायक रविंद्र भाटी, चंद्रभान सिंगाकिया, डॉक्टर प्रियंका चौधरी, रितु बानावत समेत 7 बागियों से संपर्क साध लिया है। वहीं ये विधायक आगामी समय में बीजेपी के पक्ष में राज्यसभा चुनाव मतदान करते भी दिखाई दे सकते हैं। इसके साथ ही इन बागी विधायकों को सीएम के शपथ ग्रहण में भी आमंत्रित किया जाना तय माना जा रहा है। आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में 8 निर्दलीय जीत कर आए हैं। इनमें से बीजेपी 7 बागी विधायकों के संपर्क में है, जिनमें से 4 बागियों ने तो खुद बीजेपी के आलाकमान से मिलकर अपना समर्थन दे चुके हैं। इन बागी विधायकों में 2 बागियों ने तो 1,00,000 से भी अधिक वोट पाकर जीत हासिल की है। वहीं शिव से पंचकोणीय मुकाबले में निर्दलीय होकर भी रविंद्र सिंह भाटी ने जीत दर्ज कर सभी को चौंका दिया। आपको बता दें कि रविवार को संभवतः होने वाली बीजेपी विधायक दल की बैठक में बीजेपी के 3 सदस्यीय पर्यवेक्षक भी शामिल होंगे। वहीं इस बैठक में बीजेपी से बागी हुए 6 विधायक भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि 2 अन्य विधायकों पर शामिल होने पर अभी भी संदेह जताया जा रहा है। दरअसल बीजेपी सीएम और डिप्टी सीएम के नाम को लेकर बगावत की आशंका के चलते निर्दलियों को अपने पाले में करने की जुगत में जुट गई है। अगर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को इस रेस से बाहर किया गया तो विरोध बगावत के सुर सामने आ सकते हैं। इसे लेकर बीजेपी के आलाकमान गंभीर रूप से परेशान है। ऐसे में बीजेपी के भरोसेमंद और संकट मोचन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पर्यवेक्षक बनाकर राजस्थान भेजा गया है। बताया ये जा रहा है कि कुछ बागी विधायकों के साथ संगठन के पदाधिकारियों से बातचीत हो गई है, जबकि कुछ बागियों ने जयपुर में आला नेताओं से मुलाकात कर ली है।
इसके चलते अब बीजेपी का आंकड़ा 115 से बढ़कर 121 से 123 के करीब होने की संभावना है। ऐसे में यदि बीजेपी पार्टी में बगावत होती भी है और 20 विधायक इधर इधर होते भी हैं तो भी पार्टी को कुछ नहीं होने वाला। सूत्रों के मुताबिक विधायक दल की बैठक में रविंद्र सिंह भाटी, चंद्रभान सिंगा क्या, जीवराम चौधरी, गणेश बंसल, अशोक खोटारी, रितु बानावत शामिल हो सकते हैं। हालांकि बागी विधायक यूनुस खान और प्रियंका चौधरी को लेकर स्थिति साफ नहीं हो पाई है कि ये बैठक में शामिल होंगे या फिर नहीं। आपको बता दें कि चित्तौड़गढ़ से निर्दलीय जीत कर आए विधायक चंद्रभान सिंगाकिया सहित कई निर्दलीय विधायकों की भारतीय जनता पार्टी में घर वापसी हो सकती है। भाजपा कार्यालय में शीघ्र प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी घोषणा भी की जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी, राजस्थान। नहीं चला था, मुझे ऐसे लगा कि बाहर पटाखे बज रहे हैं। तो सर्वेंट ने बताया भाभी जी सब खत्म हो गया। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? बोले गोलियां चल रही है नीचे। कि मेरा सपोर्ट कोई नहीं कर रहा अभी, ना मुझे राजनीति पहले करनी थी ना राजनीति अब करनी है। मैं उस आदमी के साथ दिल से जुड़ी हुई थी और जो खुशियां थी अब हमारी वो अब रही नहीं। माँ बाप भी नहीं है, कोई नहीं है मेरा उनके सिवा। लेकिन 2 महीने पहले इन्होंने बोल दिया था। पुलिस वाले अगर उस टाइम सुन लेते ना तो इनके साथ कुछ नहीं होता। इनकी मौत पे सरासर राजनीति हो रही है। हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए न्याय बस। गोगामेड़ी के निवास पर हम पहुंचे हुए हैं और यहां पर उनकी पत्नी है, मीडिया से मुखातिब हो रही है। ये वो घर है जहां पर ये पूरा वाकया हुआ था और जो परिवार के जो लोग हैं यहाँ पर, उनमें उनकी जो सपना सोनी है, जो उनकी तीसरी पत्नी यहाँ पर बताई जा रही, वो यहाँ पर है, हमारे साथ में है। जी, ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है आप उसकी गवाह रही हैं, आप वहाँ पर मौके पे मौजूद थी जब पूरा घटनाक्रम हुआ। हालांकि हम समझ सकते हैं आपका दर्द, बार बार उसको दोहराना, लेकिन फिर भी जो तमाम जो व्यूअर हैं वो समझेंगे कि आपने किस रूप में वहाँ पर पूरा घटनाक्रम देखा। जी, जैसे कि आपको पता ही है कि 3 अपराधी आए थे, उन्होंने कैसे धुआंधार गोलियां चलाई थी, यहाँ क्या हुआ था, मौत का तंड हुआ था, सब आपको पता ही है। जो भी होना था उस दिन हो गया सर। बस इतना ही है कि मैंने कोशिश की थी एक कि क्या पता वो सही हो जाए। उनको लेके गए थे हम मेट्रो मास हॉस्पिटल, गाड़ी में लेके गए थे हमारी, फिर वहाँ जाके उनको ऐसे बताया कि ऑन द स्पॉट। ये जो पूरी घटनाक्रम हुआ इसके बाद में कई लोग आप समझ सकते हैं इतना दर्द है, लेकिन ये जो आपको कब पता लगा इसकी जानकारी, क्या ऊपर ही आप थे और इसकी जानकारी कैसे लगी? जी, मुझे ऊपर पता नहीं चला था, मुझे ऐसे लगा कि बाहर पटाखे बज रहे हैं। कभी गोलियों की आवाज़ आपने भी नहीं सुनी होगी, किसी ने भी नहीं सुनी होगी, क्योंकि अपने तो आम इंसान है, अपना कोई काम ही नहीं है गोलियों का। लेकिन मुझे ऐसे लगा, जब मैं सीढ़ी में आ रही थी तो सर्वेंट ने बताया भाभी जी सब खत्म हो गया। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? बोले गोलियाँ चल रही है नीचे। तो फिर मैंने जैसे गेट खोला तो वो अपराधी जो थे वो तो ऐसे इधर भाग रहे थे। मैंने उनको चेक किया तो कुछ नहीं था, फिर लेके गए थे हॉस्पिटल। इतना ही है, अब जो होना था सर हो गया। लेकिन मैं तो आपके मीडिया के माध्यम से ही बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा सपोर्ट कोई नहीं कर रहा अभी, क्योंकि हमेशा वो मुझे अपने घर में अंदर ही रखते थे। ना मैं राजनीति में आई थी कभी, ना मुझे राजनीति पहले करनी थी ना राजनीति अब करनी है, क्योंकि मैं राजनीति में उनके साथ नहीं थी। मैं उस आदमी के साथ दिल से जुड़ी हुई थी, मुझे कोई मतलब नहीं था राजनीति में क्या हो रहा है, कौन मुझे उनकी वाइफ मानता है या मुझे कुछ नहीं चाहिए था। हम दोनों साथ रहते थे, खुश रहते थे, बस इतना ही बात, इतनी सही है। और जो खुशियाँ थी अब हमारी वो अब रही नहीं, आपको पता ही है, क्योंकि मेरा सब कुछ माँ बाप भी नहीं है, कोई नहीं है मेरा उनके सिवा, बस वही थे जो भी थे मेरे। लेकिन 2 महीने पहले इन्होंने बोल दिया था, वो प्रशासन से भी उन्होंने गुहार लगाई थी कि मुझे सुरक्षा चाहिए। लेकिन पुलिस वाले अगर उस टाइम सुन लेते ना तो इनके साथ कुछ नहीं होता।
अब चाहे आप कुछ भी लगाओ, पुलिस लगाओ, चाहे कुछ भी लगाओ, जो बंदा चला गया देखो वो तो आएगा नहीं। अब सुरक्षा में मुझे भी मिली हुई है, लेकिन वो सुरक्षा मेरी सुरक्षा किस काम की आई? सुरक्षा उनकी करते, क्योंकि वो एक ऐसा आदमी था जो पूरे समाज को चलाता था, पूरे देश को चलाता था, समाज ही नहीं वो सर्व समाज को चलाता था। उसने हर गरीब की मदद की है, चाहे पैसों से हो, जहाँ भी उस किसी भी समाज ने बोला कि भाई साहब, या किसी भी लेडीज़ ने बोला भाई साहब आज हमें आपकी ज़रूरत है, उस बंदे ने हमेशा सबसे यही कहा था कि हाँ जब तक सुखदेव सिंह होगा मीडिया आपके साथ खड़ा है ना, आप लोगों को कुछ नहीं होगा। दो दिन पहले भी एक लेडीज़ का मेरे सामने कॉल आया था, उसने भी अपना कुछ बताया था, घर का मैटर था, उनको भी ऐसे, जबकि वो जाट समाज से थी वो लेडीज़, इसने कॉल किया कि भाई साहब हमें आपकी मदद चाहिए। तो इन्होंने यही बोला था कि मैं दो दिन बाद आ रहा हूँ, अभी मैं गाँव से आया ही हूँ अभी जस्ट ही, और दो दिन बाद फिर आऊँगा गाँव से, तो मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। उन वो सबके सबका सपोर्ट करते, लेकिन दो महीने पहले पता नहीं उनके क्या हुआ था, थोड़ा उनका मन ऐसे दुखी रहने लग गया था, शांत हो गए थे बिल्कुल, ऐसे इतना बोलते चालते नहीं थे किसी से। और करनी सेना भी 10 दिन पहले ही भंग की थी उन्होंने लाइव आके खुद ने, ऐसा क्या था मुझे नहीं पता कि उन्होंने ऐसा किया, लेकिन ऐसे ही बोलते थे कि मेरे मरने पर भी राजनीति होगी, क्या पता मेरे घर वाले भी राजनीति करें, और वो लोग कर भी रहे हैं राजनीति, मुझे उनसे कोई डर नहीं है। कौन लोग राजनीति कर रहे हैं? सभी कर रहे हैं, किसी को करनी सेना का पद चाहिए, किसी को करनी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना है, तो उन्होंने एक पार्टी भी बनाई थी अभी राजपूत ना, मतलब कि जैसे पता नहीं किस नाम से, लोकमत पता नहीं, लोकसभा पता नहीं कैसे करके उन्होंने एक पार्टी भी बनाई अपनी, उस पार्टी का भी अभी पता नहीं है कुछ क्या चल रहा है क्या नहीं, समझ में नहीं आ रहा। लेकिन इनकी मौत पे सरासर राजनीति हो रही है, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए न्याय बस। जितनी भी मांगे हैं ना, मैं कोई भी मांग नहीं रखती। वहाँ जो उग्र आंदोलन हुआ था, उस उग्र आंदोलन में मैंने सुना है कि 18 पता नहीं कितनी मांगे रखी गई थी, लेकिन मैं आज मैं भी उनकी वाइफ हूँ, क्योंकि देखो घर वाले उनके माने, कौन माने कौन ना माने उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पूरी दुनिया मानेगी। क्यों? क्योंकि जिस बंदे ने मुझे अपनी वाइफ समझा था तो दुनिया समझेगी, और मैं 11 साल से उनके साथ थी। मैं बस प्रशासन से, पूरी जनता से, 36 कौम से, सर्व समाज से एक ही मांग है मेरी कि सुखदेव सिंह होगा मेडी को अगर न्याय मिलेगा, तो जब भी न्याय मिलेगा, जिन लोगों ने उनकी हत्या की है और या फिर जिन लोगों ने करवाई है, उन लोगों का एनकाउंटर होना चाहिए। जिम्मेदारी है वो तो जिन लोगों ने ली है वो सामने, आपको लगता है इसके अलावा भी कोई लोग हो सकते हैं? जी बिल्कुल, जो आए थे मारने के लिए उनकी उनसे कोई दुश्मनी नहीं थी, उनको तो भेजा गया है ना मारने के लिए, अगर उनका अपने एनकाउंटर कर दे या उनको सजा दे, उनको सजा देने से क्या होगा, जो पीछे है उनको सजा होनी चाहिए ना, क्योंकि काम तो उनके थे ना, करवाए गए हैं, जो किए हैं और करवाए हैं उन दोनों को सजा मिलनी चाहिए ना। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए, और आपका जो दुख है वो समझ में आता है। यहाँ पर सुखदेव सिंह गोगड़ावगई की जो पत्नी है वो हमसे मुखातिब थी, पंजाब केसरी पर एक्सक्लूसिव जानकारी, जिस रूप में पूरी घटना को बता रहे हैं, उनका जो पुलिस का पूरा जो घर है, मैं कैमरा पर्सन को कहूँगा कि वो दिखाए एक बार, कैमरा पर्सन हमारा बताए कि किस रूप में उनका जो पूरा जो घर है वो यहाँ पर पुलिस प्रोटेक्शन में है, तमाम जो लोग हैं वो पुलिस प्रोटेक्शन में हैं, और ये एक तरह से महत्वपूर्ण जो जो जांच की प्रक्रिया है वो चल रही है, और इस बीच तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर इस पूरी कॉलोनी के अंदर हम देख पा रहे हैं, कॉलोनी का जो पूरा हालात है वो देख पा रहे हैं किस रूप में सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि गोलीकांड की घटना बड़ी यहाँ पर हुई है, और उस गोलीकांड के अंदर जिस रूप में पूरी जो तस्वीरें सामने आई हैं वो सब ने देखी है। बहरहाल सुखदेव सिंह गोगामेडी का जो परिवार है वो स्ट्रगल कर रहा है, जांच एक तरफ चल रही है, दूसरी तरफ है वो अंतर्द्वंद है, वो भी साफ तौर पर नज़र आ रहा है। सहयोगी कैमरा पर्सन कृष्ण कुमार के साथ विशाल सूर्यकांत, पंजाब केसरी, जयपुर। बोल सकती हूँ, मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया, जो था मेरा सब कुछ वो तो चला गया। नहीं रोते तो लोग बोलते हैं कि ये रोते नहीं है, हम रोते हैं तो बोलते नाटक करते हैं, पर अगर उनको सुरक्षा मिल जाती तो मैम आज जो हुआ है ना फोन ही होता, कुछ नहीं चाहिए, बस मैं उस आदमी के साथ जुड़ी हुई थी, वो मेरे पति थे, मुझे बस इंसाफ चाहिए, चाहे मुझे मरना भी पड़ा ना तो इंसाफ तो जरूर होगा। हमारी बॉडी लैंग्वेज अभी क्या है, अभी ये देखो हमारी स्थिति क्या है, अभी हमारे ये दिन नहीं है मैम, लाखों करोड़ों आदमियों के लिए सुखदेव सिंह अकेला लड़ा है, लोगों के बोलने से मैं टूटने वाली नहीं हूँ। नमस्कार, पंजाब केसरी राजस्थान आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। राजस्थान में 3 दिन पहले हुए सुखदेव सिंह गोगामेडी के हत्याकांड ने पूरे प्रदेश को, पूरे देश को दहला दिया है। इस घटना को लेकर प्रदेश भर में बवाल भी मचा हुआ है, आक्रोशित लोग लगातार विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर जो आरोपी है उनकी जांच पड़ताल उन्हें लगातार पुलिस की ओर से ढूंढा जा रहा है। फिलहाल हमारे साथ
गोगामेडी जी की तीसरी पत्नी जिनका नाम है सपना सोनी जी। सपना जी, सबसे पहले पंजाब केसरी पर आपका स्वागत करना चाहूंगी। जी मैम। जी सपना जी, आपने बताया कि जिस वक्त ये पूरी वारदात हुई, पूरा घटनाक्रम हुआ, आप मौके पर ही मौजूद थी, क्या कुछ वो पूरा घटनाक्रम था, एक बार थोड़ा विस्तार में बताएं। मैम उस दिन मतलब कि कुछ देर पहले वो खाना खा के मेरे यहाँ से, हम लोग सीढ़ी से दोनों जा रहे थे, इतने में गनमैन आए और ऐसे बोले कि तीन साहब आपसे कोई आदमी आए हैं जो तीन मिलने वाले आए हैं, तो ये बोले तू ऊपर जा, मैं उन आदमियों से मिलके आता हूँ, फिर बैठ के चाय पियेंगे। मैंने कहा ठीक है। मैं ऊपर आ गई थी, मैं कैमरे वाले रूम में गई। मेरी आदत थी कि जब भी इनके पास कोई आता था तो कैमरे में ही चेक करती थी। पहले वो रूम मेरे कैमरे में लगे हुए थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने बताया कि आप इस रूम में नहीं रह के आप दूसरे रूम में शिफ्ट हो जाओ क्योंकि आपको खतरा है। पुलिस प्रशासन ने खुद ने भी बताया था पहले कि आपको खतरा है इस चीज का। तो जिस रूम में कैमरे लगे हुए थे मैंने चेक करके आई, तो जो उनमें से जिसकी एक की डेथ हो गई थी ऑन द स्पॉट, नवीन कोई नवीन शेखावत भी था उसमें शायद, तो वो बंदा फोन पे बात करवा रहा था उनसे, किसी से किससे करवा रहा था वो तो मुझे पता नहीं। फिर मैं मेरे रूम में आके सो गई थी, लेट गई थी, उन्होंने बात की है फोन पे, थोड़ी देर बाद ही, एक दो मिनट बाद ही पटाखे जैसी आवाजें आती है। मैं जैसे सीढ़ी की तरफ भागी, सर्वेंट भाग के आया, भाभी जी सब खत्म हो गया। मैंने कहा क्या हो गया, बोले कि गोलियां चल रही है नीचे। फिर मैंने उसको तो उधर किया क्योंकि वो डर गया था, और मैं जैसे ही भागी तो अपराधी तो उधर गेट से निकल गए थे, मैंने ये गेट खोला और उनके पास गई थी, फिर उनको चेक किया मैंने। जी, तो सपना जी उसके बाद आपने बताया कि जब गोगामेडी जी को गोलियां लगी आप उनके पास गई, हॉस्पिटल उन्हें फिर कौन लेकर गया, क्योंकि मेट्रोमास हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट करवाया गया। जी मैम, उस टाइम मतलब कि अंदर जो जहां मतलब कि हत्या हुई थी ना, जहां गोलियां चली थी, वहां दो आदमियों को गोलियां लगी थी अंदर, उसमें से एक जो है वो अजीत बन्ना थे, इनके भाई की तरह रहते थे, इनका काम में सहयोग करते थे, साथ में रहते थे, उनको भी गोली लगी हुई थी। वो पानी मांग रहे थे, पानी दे दो पानी दे दो, मैंने पानी नहीं दिया क्योंकि इनका बोला हुआ था ऐसा कभी भी कुछ होता है तो उसको पानी नहीं देना चाहिए, मैंने पानी दिया नहीं। उनको देखा तो वो तो ऑन द स्पॉट यही खत्म हो गए थे मैम। तो फिर क्या, गोगामेडी जी को अस्पताल आप लेकर गई थी सपना जी? जी मैम, हॉस्पिटल, फिर उनको स्कॉर्पियो में मतलब कि उनको देखा, फिर मैंने सबसे मतलब कि बाहर पड़ोस में भागी, तो सामने काम चल रहा था तो लेबर आए, लेबरों को मैंने हाथ जोड़ के बोला, मैंने कहा आप ना इनको ना सबको स्कॉर्पियो में डलवा दो, हॉस्पिटल लेके जाना है। बोले मैम हम नहीं डाल सकते क्योंकि ये पुलिस केस है। मैंने कहा कुछ भी होगा वो मेरे ऊपर हो जाएगा, आप इनको जल्दी से जल्दी डालो, इनका इलाज करवाना जरूरी है। फिर स्कॉर्पियो में पीछे तो उनको डाला और बीच में उन बंदा को रख के हम लोग मेट्रो मास हॉस्पिटल गए थे मैम। जी बिल्कुल सपना जी, आपकी हिम्मत की दाद देना चाहूंगी कि आपने पूरा जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद आप उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर गई। सपना जी अब आप क्योंकि गोगामेडी जी अब हमारे बीच नहीं रहे, ऐसे में आप अकेले पड़ गए हैं, परिवार को लेकर आपकी क्या कुछ राय है? मैं क्या बोल सकती हूँ, मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया, मैं क्या बोलूँ, मेरे तरफ कोई बोलने वाला भी नहीं है क्योंकि सिर्फ वो ही थे मेरे, ना मेरे माँ है ना बाप है, मेरा पीर पक्ष तो जैसे खत्म ही है, कोई कुछ भी नहीं है वहाँ, मम्मी पापा की भी डेथ हो गई, कोई नहीं है मैम, मेरा जो कुछ भी था बस वो ही थे। अब जिसका कोई हो ही नहीं, कुछ है ही नहीं, वो क्या बोलेगा, मेरे पास कुछ है ही नहीं बोलने के लिए, पता ही नहीं, ना कोई इंसान है ना कुछ और है, कुछ भी नहीं है, मेरा घर परिवार सिर्फ ये था और अभी यही है, बस घर परिवार बच्चा का है मैम, सिर्फ ये घर है और मैं हूँ, जो था मेरा सब कुछ वो तो चला गया। जी लेकिन सब फिर भी बातें आ रही है कि ये तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि उसके तीन पत्नियां थी, उसने फेरे क्यों नहीं लिए। भाई तुम लोगों का भी किसी न किसी की पर्सनल लाइफ होती है मैम, हर व्यक्ति की होती है, किसी के साथ ये तो इतना बड़ा कांड हुआ है, हमारा तो सामने आ गया, अगर कई ऐसे लोग जिनका सामने नहीं आया जो हमसे सवाल कर रहे हैं, वो खुद क्या है, पहले ये सोचो कि आप लोग खुद क्या हो, पहले ये सोचो कि आज हमारी क्या स्थिति है, हमारी क्या सिचुएशन है, लोग तरह तरह की बात कर रहे हैं, हम इंटरव्यू भी देते हैं तो भी हमारी लोग बातें बनाते हैं, हम नहीं रोते तो लोग बोलते हैं कि ये रोते नहीं है, हम रोते हैं तो बोलते हैं नाटक करते हैं। आप लोग हमारी जगह आके देखो, जहां धड़ाधड़ गोलियां चली थी ना मैम, आज अकेली औरत मैं यहाँ इस मकान में बैठी हूँ, खून पे बैठ के देखो कोई, और जान जिन जिन आदमियों को 17-17 गोलियां लगी थी उनको डाल के अपने हाथों से लेके जाना, उनका कम से कम मैं मुझे 10 मिनट तो लगे थे हॉस्पिटल पहुंचते टाइम, सोचो मैं उस गाड़ी में बैठी थी जहां मेरे साथ एक बंदा जो था ही नहीं उस टाइम,
जो मेरे पति थे आपको पता है सुखदेव जी, वो तो ऑन द स्पॉट ही खत्म हो गए थे आपको पता है। लेके जाना मैम ऐसा काम करना आसान नहीं है, बोलना आसान है। आज अगर किसी और के भी होता ना तो मैं भी ऐसे ही बोलती जैसे लोग मुझे बोल रहे हैं, लेकिन आज मेरे साथ क्या हो रहा है ना वो मुझे ही पता है, लोगों को नहीं पता मैम। और मुझे से लोगों से सहानुभूति चाहिए भी नहीं, कोई सहानुभूति नहीं चाहिए मुझे, चाहिए तो सिर्फ न्याय चाहिए। दिला सकते हो क्या? हम कितनी बीवियां हैं, हमारे घर में क्या है वो मैटर छोड़ो, एक आदमी के साथ इतना गलत हुआ है यहाँ, वो बस न्याय मिलना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि जो अपराधी है उनको भी सजा मिले, और उन अपराधियों के पीछे कौन सी गैंग है, कौन से कौन लोग हैं जिन्होंने ऐसा कुछ करवाया, तो मैं ये चाहती हूँ उन सबका एनकाउंटर होना चाहिए जी। तो सपना जी आपको क्या लगता है कि गोगा मेडी जी की हत्या की जो वारदात हुई उसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? क्या किसी के साथ उनकी कोई बहुत ज्यादा ऐसे दुश्मनी चल रही थी, या क्या आपको क्या लगता है? मुझे तो ये लग रहा है कि उनको देखो धमकियां तो काफी टाइम से मिल रही थी, 6 महीने पहले एसओजी की पूरी टीम आई थी, पता नहीं एसओजी की आई थी कौन सी टीम आई थी पुलिस प्रशासन की तरफ से, आके वो घर पे पूरा घर चेक करके गए थे यहाँ, और बोले कि आपको खतरा है सुखदेव जी। जब उनको पता था इनको खतरा है तो इनको सुरक्षा क्यों नहीं दी गई? बस वो तो इतना ही बता के गए थे, आप रूम चेंज कर लो, आप गेट लगवा लो, ऐसे कर लो, ये कर लो, वो कर लो, बस राय दे के गए थे और कुछ भी नहीं मैम। सबको पता था, इनको खुद को भी पता था, हमें भी घर में पता था कि इनको खतरा है, पुलिस प्रशासन को भी पता था, सब पता था। पर अगर उनको सुरक्षा मिल जाती तो मैम आज जो हुआ है ना फोन ही होता। बिल्कुल सपना जी, आपकी परिस्थिति समझ सकती हूँ सपना जी। और जो इसमें लोग कहीं हमें ना आज कहीं इतनी बातें सुना रहे हैं वो हमें नहीं सुननी पड़ती मैम, हम कोई नहीं सुनता। आज अगर मैं किसी को सुनाऊंगी तो कोई सुनेगा नहीं सुनेगा, लेकिन हमारी स्थिति ऐसी हो गई कि हम सुन रहे हैं। जी सपना जी, इस पूरी वारदात में रोहित गोदारा और लॉरेंस बिश्नोई जैसे लोगों का भी नाम आ रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? जी मैम वो मतलब नाम आ रहा है, वो हो भी सकता है कि सही भी हो सकता है, क्योंकि इनकी जो मतलब कि इनको मारने की साजिश जो चल रही थी ना मैम वो सिर्फ और सिर्फ जेल से चल रही थी, क्योंकि पुलिस प्रशासन ने खुद ने बताया था कि मतलब कि जेल से ये सब हो सकती है प्लानिंग, और जेल से ही चल रहा था मैम ये सब। तो आपने कहा कि उन्हें लगातार लंबे समय से धमकियां मिल रही थी, क्या इसका कुछ एविडेंस या प्रूफ आपके पास है? जी मैम बिल्कुल उनके फोन में मिल सकता है, जो जो धमकियां मिली थी ना उसके प्रूफ उस फोन में तो है ही, क्योंकि जो मतलब कि जो लोग धमकियां देते थे रिकॉर्डिंग भेजते थे इनको जो भी था फोन में, अभी फोन फिलहाल पुलिस वालों के पास ही है मैम। जी सपना जी, दूसरा, आप अभी जहां गोगामेडी जी के घर पर हैं वहां पर सिक्योरिटी काफी टाइट कर दी है, आपको लोगों से मिलने नहीं दिया जा रहा, मीडिया के लोगों से बात नहीं करने दी जा रही, क्या कहेंगे उस पर? मैम उसमें मेरे यही समझ में नहीं आ रहा, मुझे जितना जहां तक है मुझे इतना पता चला है कि जो ये शीला जी है वो करवा रही है ये सब, कि उसका इंटरव्यू नहीं होना चाहिए। अरे भाई अब क्या बच गया, अब बच क्या गया? तुम ये तो चाहती थी कि मैं किसी के सामने नहीं आऊं, मेरा पता नहीं चले, कल को कुछ हो तो बस मैं ही रहूं दुनिया के सामने, तो तुम रहो राजनीति करो कुछ भी करो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस मैं उस आदमी के साथ जुड़ी हुई थी, वो मेरे पति थे, मुझे बस इंसाफ चाहिए, मुझे शीला की या किसी भी परिवार के आदमी की कोई जरूरत भी नहीं है इंसाफ में। अगर मुझे सरकार इंसाफ देगी पुलिस प्रशासन दिलाएगा तो ठीक है, नहीं तो मुझे पता है इंसाफ कैसे मिलेगा, मैं भी अपराध के जगत में ना चली जाऊंगी, क्योंकि अभी मेरा माइंड खुद का ही सेट नहीं है। अगर इंसाफ नहीं मिला, इंसाफ फिर उनको दुनिया दिलाएगी, सरकार दिलाएगी, समाज दिलाएगा, तो बहुत अच्छी बात है। ज्यादा तो मैं नहीं बोल सकती, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन चाहे मुझे मरना भी पड़ा ना तो इंसाफ तो जरूर होगा, उनकी आत्मा जी को शांति बिल्कुल जब भी सपना मिलेगी तब जी, इंसाफ होगा। बिल्कुल सपना जी, सरकार पर और प्रशासन पर विश्वास रखिए, इंसाफ जरूर मिलेगा। उसके लिए आपको अपराधियों जैसा बनने की कोई जरूरत नहीं है। शिला नाम का आपने जिक्र किया, ये कौन है, इनके कुछ पहचान बता सकते हैं आप? हाँ जी मैम शीला जी मतलब उनकी सेकंड वाइफ है, पूछने जा रहे हैं, उनसे मिलने दिया जा रहा ना ही कोई इंटरव्यू देने दिया जा रहा। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये सब हो क्यों रहा है, किस लिए हो रहा है। जी, तो अभी फिलहाल पुलिस प्रशासन का क्या रुख है आपकी तरफ? मैम पुलिस प्रशासन ने मतलब सुरक्षा मुझे दे रखी है, क्योंकि उस टाइम मैं आपको पता ही है कि उस टाइम मैं यहाँ थी, मौके वारदात पे मैं थी यहाँ, उनको लेके गई। एक पति अपनी पत्नी को जी सारी बात बताता है आपको पता है, कहीं ना बिल्कुल कहीं उनके मुंह से कुछ ना कुछ उन्होंने मुझे बताया तो होगा ना, मुझे पता ही है कहीं ना कहीं। तो पुलिस प्रशासन से मतलब जितनी मेरे से मदद होगी ना पुलिस प्रशासन की मैं भी करूंगी, पुलिस प्रशासन भी मेरी मदद कर रहा है। मैं खुद चाहती हूँ कि जितनी जल्दी हो गिरफ्तार हो जाए, जो भी हो फैसला हो जाए, मैं चाहती हूँ उनका एनकाउंटर हो, लेकिन सिर्फ उनका एनकाउंटर नहीं होना चाहिए, मतलब कि
उनको भेजा किसने था, उनके क्या दुश्मनी थी इनसे, वो जानना चाहती हूँ। मैं मेरे दिमाग में एक ही चीज है कि हंसता खेलता परिवार किसी ने क्यों बर्बाद किया, क्या मिला किसी को ऐसा करने से। बिल्कुल सपना जी, पूरे मामले की तह तक पुलिस प्रशासन जरूर जाएगी। सपना जी, आपने जिक्र किया कि गोगा मेडिची की तीन पत्नियां हैं, आप तीनों को लेकर भी सोशल मीडिया पर या मीडिया में कई तरह की खबरें हैं। आपसे जानना चाहूंगी कि आप तीनों के बीच में किस तरह के संबंध और पारिवारिक माहौल कैसा है। मैम, पारिवारिक माहौल जो है अभी वो सही नहीं है हमारे घर का, क्योंकि हम जी तीन है और तीनों अलग अलग बैठे हैं। जो उनके साथ एक पत्नी और है बड़ी, उनका नाम है शकुंतला चौधरी, वो अलग बैठे हैं, वो अलग बैठी है, और मैं यहाँ अपने खुद मकान में बैठी हूँ श्याम नगर 121 में, जहाँ हमारा राष्ट्रीय कार्यालय, मैं राष्ट्रीय कार्यालय से बात कर रही हूँ, जहाँ जिस दिन जी। तो अगर आप तीनों के बीच में संबंधों की बात की जाए, क्या तो क्या आप तीनों की एक दूसरे से बात होती है, आप तीनों का संबंध कैसा है। मैम, हमारा कोई संबंध नहीं है जी। स्थान में जो भी सरकारें, जो भी जिम्मेवार लोग हैं, उनसे क्या कुछ मांग करती है, क्या कुछ चाहती है आप। मैं, मेरे पुलिस प्रशासन से बस एक ही मांग है कि उनको न्याय मिलना चाहिए। जो भी मतलब कि मैंने सुना है कि जिस दिन उग्र आंदोलन हुआ था उस दिन मांगे रखी गई थी, शायद पता नहीं 15 मांगे थी, 18 मांगे थी, कितनी मांगे थी मुझे पता नहीं है अभी तक। मैंने कुछ मैं कह नहीं सकती इस बारे में, लेकिन मांग हमारी इतनी लंबी थोड़ी मांग नहीं है प्रशासन से, पूरे समाज से, सर्व समाज से, 36 कौम से हमारी इतनी कोई लंबी चौड़ी मांग नहीं है। हमारी मांग सिर्फ एक ही है, उनका मैं नहीं बोल सकती, शीला जी का या किसी और का मैं नहीं बोल सकती, सिर्फ मैं मेरा ही बोल सकती हूँ। मेरी सिर्फ एक मांग है, जो हत्यारे हैं उनको फांसी की सजा होनी चाहिए या फिर उनका एनकाउंटर होना चाहिए। लेकिन सिर्फ मैम उन दोनों का नहीं, जो पीछे उनके कौन पीछे लगे हुए थे, और मतलब इनसे दुश्मनी थी उनकी। मैं कभी सुनती थी इनके कॉल आते थे, लोग इनसे मदद मांगते थे, इन्होंने सिर्फ इतनी मदद की है लोगों की, मतलब जहाँ पैसा चाहिए था वहां पैसा करते थे, बहन बेटियों की शादियां करवाई। जी सपना जी, आप सही कह रही हैं, लेकिन सपना जी, किसी के भी आने पर पाबंदी थी उस दिन, ऐसा क्या हुआ कि उन शूटर्स को उस कमरे में बुलाया गया। मैम, कमरे में नहीं मिला, बुलाया गया था, जहाँ वो मिलते थे उस कमरे में वो मिले ही नहीं थे, वो तो जहाँ वेटिंग हॉल था ना वहां मिले थे वो, उनको कहीं बाहर जाना था उस, तो उन्होंने सोचा कि मैं 2 मिनट इनसे मिल लेता हूँ, फिर चाय पी के फिर चला जाऊंगा, तो वेटिंग हॉल में गए थे, जहाँ मिलते थे ना पर्सनल उनका बैठने का, वहां नहीं मिले मैम, वो वेटिंग हॉल में मिले थे जी। सपना जी, राजनीति को लेकर आप अभी जिक्र कर रही थी कि मुझे राजनीति में नहीं जाना है, गोगा मेडी जी भी बड़े राजनेता रहे हैं, अब राजनीति को लेकर आपका क्या कुछ रुख है। मैम, उन्होंने मुझे 2 महीने पहले एक बात बोली थी कि जो भी है सब कुछ तू मेरा ही है, हम दोनों ऐसे मतलब छोटी नॉर्मल बातें हो जाती है ना कि किसी भी काम को लेके मेरा ये काम कर दे, मैं बोलती मैं नहीं करूंगी, तो फिर ऐसे बोलते थे तू ही तो मेरी है सब कुछ, जो भी है तू ही है मेरा, और मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। मैं बोलती थी मैं क्यों हूँ, 2 पत्नियां और भी है तुम्हारे, मैं क्यों, बोले है तो मैं 11 साल से तेरे साथ ही रह रहा हूँ, जो भी करेगी तू ही मेरा करेगी। मैंने कहा जो भी क्या करूंगी, बोले अगर मैं मर भी गया ना तो लोग मेरे ऊपर राजनीति करेंगे, मेरी मौत पे भी राजनीति करेंगे, और वो बात मैम सही निकली, वो सच निकली, क्योंकि जब से मैं कल से इंटरव्यू दे रही हूँ, उनके घर वाले एक इंटरव्यू दे रहे हैं कि हम करनी सेना चलाएंगे, हम ये चलाएंगे, उनकी जो उर्वशी है दूसरी वाइफ की जो बेटी है ऐसे ही बोल रही है कि करनी सेना मैं और मेरी मम्मा चलाएंगे, तो उनकी बात सच निकल गई। मैं तो इतना ही बोलती हूँ, क्योंकि कोई देखने नहीं आया था उन्होंने मुझे क्या बोला था, वो तो देखने नहीं आए लोग, लेकिन आज वो तो दिख रही होगी आप लोगों को कि अभी 12 दिन भी नहीं हुए हैं उनको, लेकिन उन्होंने ये बोल दिया कि अब हम राजनीति करेंगे, हम करनी सेना चलाएंगे और हम ही करनी सेना सब कुछ है। तो मैं कहीं ना कहीं उसकी बात सच निकली कि राजनीति हो रही है, उन्होंने ये बोला था मेरा मेरे को इंसाफ तू दिलाएगी, तो मैम इंसाफ दिलाने की बात है तो मैं मुझे कुछ करने नहीं दिया जा रहा, ना तो यहाँ से घर से निकलने दिया जा रहा, ना कहीं इंटरव्यू दिया जा रहा, पर मैं आपके जरिए, सिर्फ आपके जरिए मैंने इतने इंटरव्यू दिए हैं, उसमें मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं आज आपको बोल रही हूँ आपके इस इंटरव्यू के माध्यम से, मैं 36 कौम से, सर्व कौम से, सब पूरी दुनिया से मैं ये बोलना चाहती हूँ कि सुखदेव जी को न्याय दिलाओ, आप जो हत्यारे हैं ना उनको फांसी दिलाओ या फिर उनका एनकाउंटर कराओ, जो उनके पीछे है उनका भी एनकाउंटर होना चाहिए। हर व्यक्ति का कॉल आता था, हर लेडी का कॉल आता था, भाई साहब आप हमारी मदद करो, उस इंसान ने सबकी मदद की है, तो आज एक आदमी ने लाखों आदमियों की मदद की है, तो क्या आप लाखों करोड़ों आदमी मिलके उनको इंसाफ नहीं दिला सकते, आप इतना भी नहीं कर सकते आप लोग, फिर बातें बनाते रहोगे क्या कि उसकी कितनी बीवियां थी, कितने क्या किया। मैम हम रोते हैं तो लोग बोलते हैं तुम रोते हो, नाटक करते हो, नहीं रोते हैं तो लोग बोलते हैं कि ये तो रो ही नहीं रही,
अरे तुम हमारी बॉडी लैंग्वेज देख रहे हो क्या? हमारी बॉडी लैंग्वेज अभी क्या है? अभी ये देखो हमारी स्थिति क्या है, अभी हमारे ये दिन नहीं है मैम। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, आज अकेले उनको इंसाफ नहीं दिला सकती। लाखों करोड़ों आदमियों के लिए सुखदेव सिंह अकेला लड़ा है, लाखों करोड़ों आदमियों को सड़कों पे उतर के लड़ना चाहिए। आज 72 घंटे की मांग थी हमारी कि 72 घंटे में उनको पकड़ के एनकाउंटर कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। 72 घंटे हो गए मैम, अभी जस्ट 72 घंटे हुए हैं, हम एक एक मिनट एक एक पल गिन रहे हैं हम। जी सपना जी, आप बेफिक्र रहिए, देखिए कानूनी कार्रवाई थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन भरोसा रखिए पुलिस प्रशासन पर, जो हत्यारे हैं, जो शूटर्स हैं, जल्द पकड़े जाएंगे। सपना जी आखिरी सवाल, क्या सपना सोनी राजनीति की दुनिया में कदम रखेगी? अब गोगामेड़ी जी का जो कुछ भी कार्यभार है वो आप संभालेंगी? जी नहीं मैम, मैं इतना जरूर संभालूंगी, जो मुझे बोल के गए वो मैं करके जाऊंगी। उन्होंने बोला था इंसाफ तू ही मुझे दिलाएगी, बस मैं इंसाफ की लड़ाई तक दुनिया के साथ हूँ, बाद में सपना सोनी कुछ भी नहीं है। उनके साथ ही मैम मेरा नाम चला गया, उनके साथ मेरा नाम चला गया। मेरा नाम चलाने वाला वही आदमी था, मुझे कोई नाम नहीं चलाना। दुनिया बोलती है उसको प्रॉपर्टी चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, मेरे पास कुछ भी नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है मेरे पास, और नहीं मुझे मैम प्रॉपर्टी चाहिए। सपना की लड़ाई सिर्फ इतनी तक है, जब उनको जिस दिन सजा मिल जाएगी उस दिन सपना किसी को भी कहीं यहाँ दिखाई नहीं देगी। बस लोगों के बोलने से मैं टूटने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मैंने ना अपने दिल पे पत्थर रख दिया था उसी दिन, जिस दिन मैंने उनके इतनी गोलियां लगी हुई दिखी थी, और उस टाइम मैंने देखा था कि अब ये दुनिया में नहीं रही। उस दिन मैंने पत्थर रख लिया था, जिसको जो बोलना है कि ऐसे बोल रही है, ये कहाँ कौन से लेवल से लग रहा है कि ये इसको दर्द नहीं है, मेरे को दर्द है या नहीं मुझे दर्द बताने की जरूरत नहीं है। मैं इंसाफ की लड़ाई में खड़ी हूँ और बस मुझे कुछ नहीं, इंसाफ चाहिए। बिल्कुल सपना जी, बेफिक्र रहिए, राजस्थान सरकार, राजस्थान की पुलिस प्रशासन, और आप सभी जानते हैं कि कुछ दिन पहले गोगामेड़ी जी के समर्थन में कई लोगों ने विरोध प्रदर्शन भी किए थे। समाज के सामने उनकी दूसरी पत्नी आई थी, उनकी विरासत की भी आप बात कर रही हैं कि लोग आपके लिए कह रहे हैं कि आप प्रॉपर्टी अपना हथियाना चाहती है, उस तरह की बातें। पहली पत्नी, दूसरी पत्नी, फिर तीसरी पत्नी, विरासत पर और इन चीजों पर क्या कहेंगी? मैं तो इतना ही कहना चाहूंगी कि बस इंसाफ की बात करूं, इंसाफ से ज्यादा और मैं क्या बात करूं। प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी क्या होता है? प्रॉपर्टी कुछ प्रॉपर्टी नहीं होता, प्रॉपर्टी क्या होती है ये बताओ। सुखदेव जी क्या करते हैं अपने साथ ये बता दीजिए मुझे, कोई भी बंदा एक भी ये बता दीजिए कि सुखदेव जी का खुद का सब कुछ था, वो जब खुद का कुछ नहीं लेके जा सके तो हम क्या है? कुछ नहीं है, कोई जिक्र ही नहीं है। प्रॉपर्टी का तो जिक्र ही बंद कर दो मैम, प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं है अभी, कोई मायने रखता है इंसाफ? इंसाफ चाहिए। मेरे साथ कोई सिंगल बंदा भी नहीं खड़ा, ये मैं खुद बोलती हूँ कि हाँ शीला जी के साथ खड़े होंगे, करनी सेना खड़े हैं और सब खड़े, क्योंकि करनी सेना में वो आई हुई थी, करनी सेना का उसको बनाया हुआ। लेकिन बस इंसाफ की लड़ाई सब लड़ रहे हैं, मैं भी इंसाफ की लड़ाई लड़ रही हूँ मैम, और इंसाफ मिलेगा। मुझे भी पुलिस प्रशासन पे भी पूरा भरोसा है कि ऐसा नहीं होगा, पुलिस प्रशासन ने पूरा आश्वासन दिया है और हमें कड़ी सुरक्षा भी दी है, और ऐसे तो है नहीं हर किसी। अब लोग पूछते हैं कि आप उनके पत्नी हो क्या, तो लोगों का दिमाग खराब हो गया क्या? इतना पुलिस प्रशासन ऐसे लगा हुआ है क्या? मेरे यहाँ 15 पुलिस वाले जवान तो ऐसे थोड़े दिए हैं भाई, हम बैठे हैं यहाँ, हमारे पास मतलब पुलिस प्रशासन मैम पूरा सपोर्ट कर रही है, पुलिस प्रशासन की तरफ से तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। जी चलिए सपना जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तरह की जानकारियां साझा करने के लिए शुक्रिया, और हम भी आशा करेंगे, साथ ही प्रार्थना भी करेंगे कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को जल्दी न्याय मिले। आप जिस इंसाफ की बात कर रही हैं वो जल्दी आपको मिले, ताकि आपको भी तसल्ली हो। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की तीसरी पत्नी सपना सोनी ने आपको सुना, जो लगातार रो रो कर, चीख चीख कर सिर्फ एक ही मांग कर रही है कि हमें जल्द से जल्द इंसाफ चाहिए, हमें चाहिए कि पुलिस प्रशासन इस मामले में त्वरित कार्रवाई करे और जल्द से जल्द उन शूटर्स को, उन हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया जाए। पुलिस प्रशासन हालांकि अपनी कार्रवाई में जुटी हुई है, मगर जैसा कि सपना सोनी जी ने बताया कि तरह तरह की बातें लगातार उठ रही है, प्रॉपर्टी को लेकर भी कई तरह की बातें उठ रही है, हालांकि उनके ऊपर लगे सभी आरोपों को वो साफ तौर पर खारिज कर रही है। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।